हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड इवनिंग। तो आज कोऑर्डिनेशन का सेकेंड लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो, लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था डबल सॉल्ट के बारे में, और आज उसको हम लोग कंटिन्यू करके करेंगे। डबल सॉल्ट के अलावा एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, तो मैं पीछे एक बार रिकैप कर देना चाहता हूँ। जो डबल सॉल्ट के बारे में हमने पढ़ा था, उसमें मैंने यही चीज़ सिखाया था आपको कि जो डबल सॉल्ट होते हैं वो जब पानी में डिजोल्व किए जाते हैं तो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं उन सभी आयनों में जिनसे वो मिलकर बने होते हैं। तो डबल सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देते हैं, उनको हम दोबारा आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो गायब हो जाते हैं पूरे के पूरे। हर एक आयन इंडिविजुअल टेस्ट देता है, उनको हम सेपरेटली टेस्ट कर सकते हैं। और जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि वो आयनाइज होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स में, तो आपके हर आयन की आयनाइजेशन से नंबर ऑफ आयन इन द सॉल्यूशन क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। तो हमने ये चार बातें पढ़ी थी, आपने उसके तीन एग्जाम्पल देखे थे, मोहर सॉल्ट, कर्नलाइट और तीसरा एग्जाम्पल था आपका पोटास एलम। ये तीन जो आपके मेन एग्जाम्पल थे जो डबल सॉल्ट के होते हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, सभी लोग ऐड हो जाओ, जुड़ जाओ, और एक बार लिंक को शेयर कर दो, जो अभी नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाएं। और हम लोग अब आगे पढ़ेंगे कि हाउ डबल सॉल्ट डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो अब हम लोग करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। उम्मीद है आपको पूरा स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, आज मैं ब्लैक पे ही लिखने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, देखो इसके बारे में क्या खास है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्ट है। ये डबल सॉल्ट जैसा नहीं होता, इनके अपने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इनको पहचानने का इनका अपना ही तरीका है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं। जब हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का नाम लेते हैं तो नाम से ही पता चल रहा है कुछ कॉम्प्लिकेटेड है ना, कुछ समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, मतलब ऐसी चीज़ की हम बात करने वाले जो कॉम्प्लिकेटेड है और कॉम्प्लेक्स टाइप का है। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते, ठीक है ना। दे डू नॉट या दे डू नॉट आयनाइज कम्प्लीटली, दे डू नॉट आयनाइज कम्प्लीटली, ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं, ठीक है। जब इनका आयनाइजेशन होता है तो दो टाइप का आयन बनता है, एक को हम लोग बोलते हैं सिंपल आयन और एक को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है ना। एक क्या होता है सिंपल आयन और दूसरा क्या होता है कॉम्प्लेक्स आयन। When they ionize, form two types of ion, दो टाइप के आयन बनाते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं सिंपल आयन। कॉम्प्लेक्स आयन और सिंपल आयन दो डिफरेंट टाइप के आयन्स बनते हैं। अब ध्यान से आप देखोगे इसमें जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स आयन और सिंपल आयन, एक एग्जांपल के साथ देख लो, उसके बाद और पॉइंट भी हम लिखेंगे कि जो हमारा एक कॉम्प्लेक्स होता है हम उसको ऐसे लिखते हैं। जैसे मान लो अपना कॉम्प्लेक्स है Fe(H2O) का होल 6 Cl3, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। जब ये आयनाइज होता है तो बनाता क्या है Fe(H2O) का होल 6 3+ 3Cl-। ये देखो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, ये क्या होता है कॉम्प्लेक्स आयन और ये क्या होता है सिंपल आयन। आप लोग बताइए अभी यहाँ पे आपको एक डिफरेंट दिख रहा होगा, क्या इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का जो हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट था इसकी आइडेंटिटी खत्म हो गई इधर या बची हुई है, क्या इसकी आइडेंटिटी रिटेन है या बची हुई है कि पूरी तरीके से एलिमिनेट हो गई खत्म हो गई, देख के बताइए सभी लोग। आपको दिखाई दे रहा है कॉम्प्लेक्स आयन में जो है कॉम्प्लेक्स आयन इसकी पूरी आइडेंटिटी को बचा के रखा हुआ है, ये पूरी तरीके से आयनाइज नहीं हुआ है। ये अभी भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि इनके सभी पार्ट यहाँ पे रिमेन रिटेन्स हैं, एक एक आयन अलग अलग नहीं हुआ है। मतलब ये हुआ कि दे डोंट लूज देयर आइडेंटिटी, ये अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर रहे हैं। आप ध्यान से देखो कॉम्प्लेक्स आयन की आइडेंटिटी गायब नहीं हुई है। तो हम स्टेटमेंट क्या लिखने वाले हैं,
they don't lose their identity in the solution. सॉल्यूशन में जाने पे इनकी आइडेंटिटी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाती, ये पूरे तरीके से विलुप्त नहीं होते, ख़त्म नहीं होते, जिंदा रहते हैं. क्या आपको दिखाई दिया? कॉम्प्लेक्स आयन की आइडेंटिटी बची हुई है. हम कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर जो भी स्पीसीज हैं उनका टेस्ट नहीं कर सकते. याद करो, डबल सॉल्ट में हर आयनों का टेस्ट कर सकते थे, बट यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन डू नॉट गिव टेस्ट ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट. जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर उनका टेस्ट हम नहीं कर सकते. कॉम्प्लेक्स के आयन के अंदर जो कुछ है, आप चाहो कि आयरन का पता चल जाए, नहीं पता चलेगा. आयरन के अंदर पानी है, पानी का पता चल जाए, आपको पता नहीं लगेगा. वी कैन नॉट टेस्टेड ई दीज टू एलिमेंट्स इनसाइड द कॉम्प्लेक्स आयन, बट सिंपल आयन का टेस्ट कर सकते हैं. वी ओनली टेस्ट सिंपल आयन. हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल आयनों का टेस्ट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन का हम टेस्ट नहीं कर सकते. अब आपके पास दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए डिफरेंट पॉइंट्स हो गए ना, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. डबल सॉल्ट और अगर आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में अब डिफरेंशिएशन करना हुआ तो आप लोग कर लोगे? बोलो हाँ या ना. हाय विकास, हाय हेलो का टाइम नहीं है, हम लोग पढ़ते रहते हैं, ठीक है. तो आप लोग बताइए आपको क्या लग रहा है यहाँ पे. अगर आपको दे के दोनों को डिफरेंशिएट करना है तो क्या आप डिफरेंशिएट करने में एबल हो? डिफरेंशिएट कर पाओगे क्या? हम एबल हैं कि नहीं डिफरेंशिएट करने के लिए? देखो ध्यान से, अब आपको अगर ये पूछ ले डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एंड डबल सॉल्ट, ये आपके लिए होमवर्क. आप अपना काम करिएगा. क्या काम करिएगा? दोनों को डिफरेंशिएट करिएगा, ठीक है ना. दोनों को क्या करिएगा, डिफरेंशिएट करिएगा. एक साइड डबल सॉल्ट लिखिएगा, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, और दूसरे साइड आप लिखिएगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है. दूसरे साइड क्या लिखिएगा? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. डबल सॉल्ट के बाद क्या लिखेगा इधर? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. इधर लिखेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट दोनों में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है. आप कम से कम चार पॉइंट जरूर नोट करिएगा कि डबल सॉल्ट ऐसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऐसे होते हैं. ये आपका काम, ठीक है ना. ये आपका काम, आराम से डिफरेंशिएट करिएगा. वो मैं नहीं कराने जा रहा, ठीक है ना. वो आपका होमवर्क हो गया. नाउ अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट. अब अपने को पढ़ना है, हमने क्लासिफिकेशन में दो सॉल्ट पढ़ा था, एडिशन सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन, और दूसरा पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर. तो मैं चलने वाला हूँ केमिकल नेचर के बेसिस पे सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं, आइए वहाँ पे बात करेंगे, ठीक है. सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट लेक्चर, वो है हमारा सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर. उनका केमिकल नेचर कैसा है? अब ये ना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको थोड़ा आप लोग ज़्यादा याद रखना. यहाँ से आपको कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना. कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लोग नीट जेई के लिए जाओगे उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा ये, ठीक है. जो नीट जेई का फॉर्म भरे होगे या एमएससी एंट्रेंस के लिए जाओगे तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, यहाँ आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला, ठीक है ना. अब ध्यान से देखो हम आपको क्या बताने वाले हैं. हमने आपको बताया था अपने पास एसिडिक सॉल्ट हो सकता है, बेसिक सॉल्ट हो सकता है, ठीक है, और तीसरा क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट हो सकता है. न्यूट्रल सॉल्ट
हमें एग्जाम्पल्स भी जानने हैं कि कौन से सॉल्ट एसिडिक हैं, कौन से सॉल्ट बेसिक हैं और कौन कौन से सॉल्ट न्यूट्रल हैं, हमें विथ एग्जाम्पल पढ़ना है। तो आप सभी ने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा कभी। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम क्या पढ़ते हैं, वी बेसिकली डील्स विथ द हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। याद है किसी को, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट के बारे में हम लोग डील करते थे। तो एसिडिक सॉल्ट कैसे बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में अगर डाल दोगे, इन दोनों का मिक्सचर करोगे तो आपका बनेगा एसिडिक सॉल्ट। जब हम क्या करें, देखो सॉल्ट बनने का सिंपल तरीका है, आप एसिड को बेस के साथ मिक्स करते हो, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, ये तो हम सब ने पहले भी पढ़ा है। अब सवाल ये है एसिडिक सॉल्ट कब बनते हैं, जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का कॉम्बिनेशन लें, ठीक है। बेसिक सॉल्ट कब बनते हैं, जब हम वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग सॉल्ट लेते हैं, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। और न्यूट्रल सॉल्ट कब बनता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले लोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो जब दोनों स्ट्रॉन्ग ले लिया जाएगा तो आपका न्यूट्रल बनेगा। जब आप एसिडिक सॉल्ट बनाना है तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक ले लो, वीक बेस ले लो। जब आपको बेसिक सॉल्ट बनाना है तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड ले लो, न्यूट्रल बनाना है तो दोनों क्या कर लो, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग। ये कॉम्बिनेशन जब आप यूज़ करिएगा तो आपको मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट। अब एसिडिक सॉल्ट से हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना कि हमारा एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, एसिडिक सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एग्जांपल्स पढ़ेंगे एसिडिक सॉल्ट के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इससे पहले आप एक लोग सभी लोग चैनल को सब शेयर करो, सभी लोग चैनल को लाइक भी करो और शेयर भी कर दो, जल्दी से कर दो क्योंकि बाकी बच्चे भी नहीं जुड़े हैं, कम से कम 50 बच्चे तो आपके ग्रुप पे ऐड होने चाहिए ना, तो जल्दी से शेयर करो ताकि और आगे पढ़ाया जाए। तो हम लोग पहला पढ़ेंगे एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट कैसे बनते हैं, ठीक है। एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन मैंने आपको अभी बताया कि दीज आर द फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक बेस, ठीक है। दीज सॉल्ट आर फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ किसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करना है, स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक बेस, चलो अब आपसे एग्जांपल पूछने का टाइम आ गया है, ठीक है। ये साफ साफ दिख गया, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस मारेंगे सीधा सीधा अपना काम हो जाएगा। बट अब आपको एग्जांपल बताने हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल्स बताइए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड के कम से कम 3-4-5 एग्जांपल बताइए और वीक बेस के भी कम से कम 2 एग्जांपल बताइए, ठीक है। वीक बेस क्या होते हैं सभी लोग बताएं, स्ट्रॉन्ग एसिड में ऐसे बराबर लिखना और वीक बेस में डब्ल्यू बी बराबर लिखना, ठीक है। डब्ल्यू बी क्या क्या है, कोई 2-4 एग्जांपल दो भाई, आपको इतना तो पता होगा ना, एग्जांपल्स तो आपको देना पड़ेगा ना। तो सभी लोग बताओ जरा, एग्जांपल बताओ जल्दी से, आपको क्या क्या एग्जांपल्स पता है इसके बारे में, चलिए जल्दी से बताइए। तो कौन कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन कौन सा वीक बेस है, कोई एग्जांपल है आपके पास वीक बेस का, स्ट्रॉन्ग एसिड का कोई। देखो ऑल इनऑर्गेनिक एसिड, जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड है सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है ना। मेनली आपका HCl, HBr, H2SO4, HNO3 ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। तो HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ठीक है, HClO4 हो गया, ठीक, HBr हो गया, HI हो गया, दीज आर द वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। ये सब एसिड क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। ये जब भी मिक्स होंगे आपका सोल्यूशन क्या होगा, कंप्लीट एसिडिक होता है क्योंकि कंप्लीटली आयनाइज होते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड,
ठीक है, ये सब क्या है, एग्जाम्पल ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस में आओगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक। इसके अलावा जितने भी एलिफैटिक अमीन्स हैं ये सब क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एलिफैटिक अमीन्स, दीज आर जितने भी ऑर्गेनिक है ना वो बेसिकली क्या है, वीक बेस हैं। तो दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ वीक बेस। अब अगर आप इनका कॉम्बिनेशन कर दो, इनको मिक्स कर दोगे, तो आपको जो नया सॉल्ट मिलेगा उसका नेचर क्या होगा। देखो मैंने जैसे एग्जांपल कराने जा रहा हूँ, एक मैं रिएक्शन कराऊंगा HBr का, ठीक है, रिएक्शन ऑफ HBr विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या सॉल्ट बनेगा, हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा अमोनियम ब्रोमाइड NH4Br प्लस H2O, ठीक है, NH4Br प्लस H2O। ये जो सॉल्ट है, ये जो आप सॉल्ट देख रहे हो, इस सॉल्ट का नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। दिस इज नेचर ऑफ एसिडिक सॉल्ट। अब कैसे पहचानोगे कि ये सॉल्ट एसिडिक है, कैसे पहचान में आएगा कि ये सॉल्ट एसिडिक है, इस सॉल्ट को क्या करना है, पानी में घोल दो। पानी में घोलोगे तो क्या बनाएगा, फिर से HBr बनाएगा प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। जैसे ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, वीक बेस HBr स्ट्रॉन्ग एसिड, तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो इस सॉल्ट की वजह से पूरा सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक। और एसिडिक हो जाएगा तो आप बताओ सोल्यूशन का pH क्या होगा। अगर सॉल्ट एसिडिक है तो pH क्या होगा, pH लेस देन 7 होगा, सोल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक नेचर का, ठीक है। तो सॉल्ट अगर एसिडिक है तो सोल्यूशन का नेचर भी क्या होगा, एसिडिक। ऐसे और भी एग्जांपल हैं, जैसे हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, है ना, अमोनियम सल्फेट। ये अमोनियम सल्फेट कैसे बनेगा, जब NH अमोनियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड से कराओगे तब। ये सॉल्ट सब एसिडिक सॉल्ट हैं। इसके अलावा अमोनियम परक्लोरेट, है ना, अमोनियम परक्लोरेट Cl4-, ये सब आपके जो सॉल्ट हैं, दीज ऑल सॉल्ट्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। ये सभी सॉल्ट कैसे हैं, एसिडिक नेचर के हैं, क्योंकि इन सब में कैटायनिक पार्ट जो है आपका वो क्या है, वीक बेस का है, और एनायनिक पार्ट स्ट्रॉन्ग एसिड का है। Cl- HCl से आया है और अमोनियम आयन हाइड्रोक्साइड से आया है। तो आपको देखने मिलेगा कि दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एसिडिक सॉल्ट, है ना, ये सब क्या है, एसिडिक सॉल्ट के बहुत ही कुछ सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, आपको पहचानने होंगे। वेरी गुड इवनिंग अंशु, आपको समझ आया है सब, ये इतनी सारी बातें आप लोगों को समझ में आई, एसिडिक सॉल्ट कैसे पहचानते हैं हम, कैसे बनाएंगे एसिडिक सॉल्ट, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। आप ऐसा ही क्वार्टनरी अमीन सॉल्ट, क्वार्टनरी अमीन सॉल्ट क्या होता है, एसिडिक होता है, उसको पानी में डालोगे तो अमीन अलग हो जाएगा, और जो भी क्लोराइड आयोडाइड ब्रोमाइड होगा वो HClHBrHI बना के निकल जाएगा, तो पूरा सोल्यूशन अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि ये सब सॉल्ट कैसे थे, एसिडिक इन नेचर, क्लियर है, ये क्लियर है तो थम्स अप करो, जल्दी से आगे चला जाए। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, अप टू दिस, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट तक आपको आ गया कि नहीं आ गया। अब आगे चलने की बारी है, सो नेक्स्ट चलेंगे बेसिक सॉल्ट, है ना। बेसिक सॉल्ट कैसे बनेगा, बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा किसके किसके बीच में, दीज आर फॉर्म्ड बाय, दीज आर फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस जब वीक एसिड के साथ क्या कर ले, न्यूट्रलाइजेशन करेगा, तो हमारा जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर क्या होगा, बेसिक होगा। जो स्ट्रॉन्ग होता है वही बनेगा, ठीक है ना। तो आगे हम लोग को ये देखना है कि कौन कौन सा एसिड वीक होता है, ठीक है ना। आज और ढूंढते हैं वीक एसिड के एग्जांपल, बताओ आप सभी लोग जो जो वीक एसिड्स हैं उन सभी के एग्जाम्पल बताओ, और जो स्ट्रॉन्ग बेस हैं जो आपको पता है उनके भी। तो हमें पहले पता होना चाहिए दो चार एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग बेस के,
दो चार एग्जाम्पल वीक एसिड के, तो जरा बताइएगा। तो वीक एसिड कौन कौन है, व्हाट आर द डिफरेंट वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस, कोई है एग्जाम्पल आपके पास? एग्जाम्पल चाहिए वीक एसिड के और स्ट्रॉन्ग बेस के, बताओ सभी लोग, कोई एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल्स ही तो इम्पोर्टेंट है। मिला एग्जाम्पल? नहीं मिला? देखो वीक एसिड है एसिटिक एसिड, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं सब के सब वीक एसिड हैं। वीक एसिड है फिनॉल, है ना, वीक एसिड है सल्फोनिक एसिड, जितने भी RSO3H हैं, दीज ऑल एसिड्स आर वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, और जो वीक होते हैं वो सब क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। और जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसमें आपका आएगा NaOH, है ना, KOH आता है, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस में है, CGM हाइड्रोक्साइड, ठीक। और इसके अलावा आप पढ़ोगे मॉडरेट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी होता है, मॉडरेट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता। एल्कली मेटल का जो बेस है वो क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये CGM है, CS लिखा हूँ, C8 नहीं है, CGM, ठीक है ना, CGM हाइड्रोक्साइड। तो ये सब आपके स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं, और ये सब आपके क्या आते हैं, वीक एसिड में। अमोनिया क्यों, NaOH, KOH, CGM हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिना भी एम्फोटेरिक होता है, बट एल्यूमिना को नहीं लेगा, वो एम्फोटेरिक होता है, वो दुष्ट है, उसको छोड़ दो। अब अगर आपको यहाँ पर रिएक्शन कराना हो तो चलिए रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एसिड का NaOH के साथ। अगर हम एसिटिक एसिड का रिएक्शन करा दें COOH का, किसके साथ, NaOH के साथ, तो NaOH के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा सोडियम एसीटेट CH3COONa प्लस वाटर। अब आप ध्यान से देखो, जो ये सॉल्ट है सोडियम एसीटेट, ठीक है, दिस सोडियम एसीटेट इज एक्चुअली, ये जो सोडियम एसीटेट है एक्चुअली ये क्या है, आपका बेसिक सॉल्ट है, ये आपका क्या है, बेसिक सॉल्ट है। फिनॉल के साथ भी बनाता है, सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा, अगर हम फिनॉल लेते तो यहाँ एच हट के एन ए आ जाता, वो भी सॉल्ट जो होता वो कैसा होता, बेसिक नेचर का होता। तो हमारा जो ये रिएक्शन हुआ ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बस इस रिएक्शन में ध्यान से देखोगे तो जो सोडियम एसीटेट बना है, दिस इज सोडियम एसीटेट, पोटेशियम लेते तो पोटेशियम एसीटेट बनता, जो सॉल्ट लेते उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बनता, एसिड बेस क्या लिया उसी पे। बेसिक सॉल्ट है तो बेसिक सॉल्ट होने से हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, पीएच क्या होगा, मोर देन 7, सॉल्यूशन का नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक, आपका पूरा सॉल्यूशन जो होगा वो बेसिक हो जाएगा। तो हमें जो देखने को मिलेगा, आपको ध्यान से ये देखने मिलेगा, सोडियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट, दीज ऑल सॉल्ट्स आर बेसिक इन नेचर। अगर इनको पानी में डिजोल्व करोगे तो सब कैसा नेचर शो करेंगे, बेसिसिटी, आपका पीएच जो होगा 7 से ज़्यादा आएगा, मतलब ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा, ब्लू लिटमस हो ही गई नहीं, रेड लिटमस क्या होगा, ब्लू हो जाएगा। यस, वीक एसिड और इसकी वजह से, तो हमने वीक एसिड का ही तो एग्जांपल दिया ना अभी, ये सब एग्जांपल क्या है, वीक एसिड के ही हैं, तो आपका ये सॉल्ट बनेगा। इसके अलावा कुछ और सॉल्ट देख लो, जैसे आपका हो जाएगा सोडियम एसीटेट के अलावा पोटेशियम एसीटेट, है ना, कैल्शियम एसीटेट, CH3COO का होल ट्वाइस कैल्शियम एसीटेट हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे हैं, फिनोक्साइड का बना सकते हो, सल्फोनिक एसिड का बना सकते हो, दीज ऑल्स आर एग्जाम्पल ऑफ बेसिक सॉल्ट, ठीक है ना। तो बेसिक सॉल्ट ऐसे बनते हैं, इन सॉल्ट का जो सोल्यूशन का पीएच होता है वो आपको हमेशा मिलेगा 7 से ज़्यादा होगा। तीसरा सॉल्ट आ जाओ न्यूट्रल सॉल्ट। अभी आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा, न्यूट्रल सॉल्ट, अब बताइए न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनेगा। अभी अभी मैंने आपको सिखाया था कि जो न्यूट्रल सॉल्ट होता है, दीज आर फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस,
स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो जब यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल देख चुके हो, HCl था, स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल अभी देखे NaOH है, अगर इन दोनों को हमने न्यूट्रलाइजेशन में डाल दिया तो क्या बन जाएगा, NaCl, नमक बन गया, प्लस आपका वाटर निकलेगा। अब ध्यान से देखो, हमारा जो ये वाला सॉल्ट है NaCl, KCl, ये सब जो बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड आपने पूरा देखा, मैंने लिस्ट दिया, स्ट्रॉन्ग बेस का भी मैंने आपको क्या किया, लिस्ट दिया, आप पूरे लिस्ट में देखना जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बिहेवियर शो करेगा, न्यूट्रल होगा, मतलब कि यहाँ पे अगर इनको पानी में घोला जाए तो pH इज इक्वल टू 7 आएगा, और सोल्यूशन का नेचर कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। सोल्यूशन हमारा क्या होगा, न्यूट्रल। इसका कुछ एग्जाम्पल देखो, अब एग्जाम्पल में क्या हो जाएंगे, पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा, है ना, पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा, इसके अलावा पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा, सोडियम का भी बनेगा जैसे पोटेशियम का वैसे सोडियम का, कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा, दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट। ये सब क्या है आपके, न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं। तो सॉल्ट जो बनते हैं हाइड्रोलिसिस से बनते हैं, और अगर आपको हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट पता है तो आप आराम से सॉल्ट की स्टडी कर सकते हो और सॉल्ट के नेचर के बारे में आप बता सकते हो। अब एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकलता है, जो डेल्टा एच होता है दैट इज -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। ये आपने पढ़ा होगा ना कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कोई चीज़ होती है, पढ़ा है क्या, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कोई चीज़ होती है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से कंबाइन करता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से आपको क्या मिलेगा, न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा, बट उसके साथ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में कुछ एनर्जी भी निकलती है। अगर आप कभी लेबोरेटरी में जाइएगा तो एक एक्सपेरिमेंट करिएगा, NaOH और HCl को मिक्स करिएगा, जो ग्लास होगा हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तुरंत, वो गर्म क्यों हो जाता है, बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी। सवाल जो पूछ रहा हूँ ध्यान से सुनना, इस एनर्जी को बोलते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और जब भी न्यूट्रलाइजेशन होता है एनर्जी रिलीज होती है। अब मुझे जो सवाल आपसे पूछना है उस सवाल पे आइए चलते हैं, वन बाय वन सिस्टमैटिकली उस सवाल पे चलेंगे। तो आप लोग मुझे ये बताइए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में तो 13.7 किलो कैलोरी पर मोल है, अगर यही कॉम्बिनेशन वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला या ऊपर एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट, किसी एक की बात करें, दोनों में से किसी एक की मैं बात करना चाहता हूँ, तो आप मुझे बस इतना बताइए कि दोनों के हीट ऑफ जो न्यूट्रलाइजेशन होगा वो 13.7 से ज्यादा होगा या 13.7 से कम होगा, बस जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा वो 13.7 से ज्यादा होगा कम होगा, एसिड सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट, जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से कंबाइन करे या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से कंबाइन करे तो जो सॉल्ट बनेगा उसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, 13.7 से ज्यादा होगा, 13.7 से कम होगा या 13.7 ही होगा, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या होगा। तीनों में एक का तो मैंने बता दिया 13.7 किलो कैलोरी है, बट जो दूसरा पहला और दूसरा सॉल्ट था उनमें जो न्यूट्रलाइजेशन है उसका मैं पूछ रहा हूं, फर्स्ट केस का नहीं पूछा हूं, उन दोनों में से दोनों का बताइए, बताओ सभी लोग बताओ, तुक्का मारो नहीं आ रहा तो, जो पता है वही बताओ, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एकदम, हमें पता है आप लोग, किसी को आएगा किसी को नहीं आएगा, इसको नहीं आएगा उसको आ जाएगा, बट बताओगे तब ना कम होगा, और कोई, एक लोगों ने बताया कम होगा, और कोई, सभी लोग आंसर करिए, कुछ तो पता होगा, ऐसा तो नहीं एकदम जीरो निलबटा सन्नाटा होगा, तुक्का तो मारने आता ही होगा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा इसी का सबसे हाईएस्ट होता है 13.7, बाकी सबका इससे कम होगा, यस तुक्का मारा सही लगा, मे बी लेस ना, एग्जैक्टली लेस होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीट आयनाइज होते हैं, जो कंप्लीट एनाइज होते हैं उनको तोड़ने में एनर्जी नहीं लगती, इसलिए ज़्यादा नंबर ऑफ आयन होंगे तुरंत न्यूट्रलाइज होकर ज़्यादा नंबर ऑफ हीट प्रोवाइड कर देंगे,
बट जो वीक एसिड या वीक बेस होते हैं वो कंप्लीट आयनाइज नहीं होते। तो जब कंप्लीट आयनाइज नहीं होंगे तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन भी नहीं होगा, और जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा है ना, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी कम रह जाएगा। समझे बात को? वीक एसिड हो या वीक बेस हो, जब कंप्लीट आयनाइज ही नहीं होगा तो वो कंप्लीट न्यूट्रलाइज भी नहीं होगा। जब कंप्लीट न्यूट्रलाइज नहीं होगा तो हीट ज़्यादा कहाँ से प्रोवाइड करेगा? कम न्यूट्रलाइज हुआ तो कम हीट देता है। इसीलिए केवल स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का 13.7 किलो कैलोरी पर मोल होता है, बाकी सबका कम होता है। ठीक है ना, बाकी सबका इससे कम होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्ट। नाउ अब हम लोग मूव करेंगे टर्मिनोलॉजी इन कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टर्मिनोलॉजी। चलो आ जाओ, टर्मिनोलॉजी इन कॉम्प्लेक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। यहां से आपका ओरिजिनल स्टार्ट हो जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, टर्मिनोलॉजी इन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे टर्म आते हैं, चुन चुन के पढ़ा जाएगा, ठीक है ना, चुन चुन के पढ़ेंगे। सभी टर्म को अच्छे से पढ़ना है, सभी टर्म को अच्छे से सीखना है, और सभी टर्म को अच्छे से जानना है, क्योंकि ये आपको पूरे कॉम्प्लेक्स में ये टर्म आएंगे बार बार, तो आपको टर्म पता होना चाहिए, हवा लगना चाहिए। ये ना पता चला हवा नहीं लगा। देखो मैं बना रहा हूँ, सबको वन बाय वन मेंशन करूँगा। ये एक डब्बा है, डब्बे में एक M है, M के बाद ब्रैकेट है, छोटे ब्रैकेट में L है, L के बाद एक और डब्बा बंद है, यहाँ पे प्लस माइनस X है, ठीक है ना, प्लस माइनस X है। यहाँ पे कोई A हो सकता है, यहाँ पे कोई B हो सकता है, ठीक, यहाँ पे कोई B हो सकता है। बट याद रहे A और B दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर A होगा तो B नहीं होगा, B होगा तो A नहीं होगा। कोई एक ही एक बार में होता है, सबके सब एक साथ नहीं होते हैं, ठीक है, सबके सब एक साथ नहीं होते हैं। वीडियो रुक रहा है क्या? सबके सब एक साथ नहीं होते हैं। सो आइए देखते हैं टर्मिनोलॉजी में कौन कौन क्या क्या टर्म होते हैं। हर एक टर्म को हम लोग डेफिनेटली एकदम सीक्रेटली और अच्छे से, मतलब सीक्रेटली क्या, ओपनली ही पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले ये जो डब्बा देख रहे हो ना, स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये जो प्लस माइनस एक्स है ये होता है चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है कभी कभी वो चार्ज होता है, कभी कभी वो न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल होगा तो कोई चार्ज नहीं होगा, जीरो होगा, पॉजिटिव होगा तो प्लस चार्ज होगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव चार्ज होगा। तो आप देखोगे कि क्या क्या इसमें चार्जेस हो सकते हैं। उसके बाद ये आप जो ए और बी देख रहे हो, ठीक है ना, ए ये आपका ए हो गया, और दूसरा आपका जो इधर बी है, ये दोनों, इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल आयन। आप सबने अभी अभी पढ़ा है ना, इनको हम लोग बोलते हैं सिंपल आयन, या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर, सिंपल आयन और आयनाइजेशन स्फीयर भी कहे जाते हैं, ठीक है। सिंपल आयन ए और बी जो हो गए वो या तो सिंपल आयन कहे जाएंगे, या तो उनको हम लोग आयनाइजेशन स्फीयर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, भो भो की आवाज आ रही है। एक्चुअली जो बोबो की आवाज आ रही है थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना, ठीक है, वो फैन का साउंड है। एक मिनट बस फैन को मार दो, एक मिनट। हम लोग बोलते हैं सिंपल आयन, या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर, सिंपल आयन और आयनाइजेशन। तो अगला देखो, नेक्स्ट जो हमें बताना है आपको इसके बाद, ये आपका है, ये एम जो देख रहे हो दिस इज कॉल्ड मेटल, सेंट्रल मेटल, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल एटम, ठीक है, इसको हम लोग सेंट्रल एटम कहते हैं। जो L है दीज L आर नोन एज लीगेंड्स, इसको हम लोग लीगेंड्स कहते हैं। लीगेंड अभी बताऊंगा डिटेल में क्या है। और जो ये आपका स्मॉल n दिख रहा है, दिस n, इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ लीगेंड। किसी स्पीसीज में कितने लीगेंड्स हैं ये पता चल जाएगा।
तो ये टोटल आपकी टर्मिनोलॉजी है, जब हम कॉम्प्लेक्स पढ़ने जाएंगे ये सभी टर्म आपको मिलेंगे वन बाई वन। सिस्टमैटिकली आप सभी टर्म को पढ़ोगे और सारे टर्म आपको क्या होंगे, इम्पोर्टेंटली मिलेंगे और सब के सब आपको काम आएंगे। इन सभी टर्म को लेके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, इनको छोड़ के आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो अब बोबो की आवाज़ नहीं आ रही ना, थोड़ा साउंड कम करके सुनोगे तो अच्छा सुनाई देगा, ठीक। सो यहाँ तक सबको सारी बातें देखो ध्यान से, सारे टर्मिनोलॉजी क्लियर हैं, एक एक सबको पढ़ना, सभी टर्म को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे वन बाई वन। जितने भी टर्म आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हो सभी टर्म्स हमको डिटेल में पढ़ना है विथ एक्सप्लेनेशन एंड विथ एग्जाम्पल्स। सो आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। कौन कौन बीएससी वाले स्टूडेंट हो, जो बीएससी वाले बीएससी लिख के जरा इसमें नोटेशन नोट करो तो, और जो नीट वाले वो नीट जरा देखना है कौन कौन नीट जेई का है कौन कौन बीएससी का है, क्योंकि हमें दोनों कंपटीशन के हिसाब से पढ़ाना है और मैं पढ़ाऊँगा ऑब्जेक्टिव अप्रोच। सो यहाँ तक समझ में आया, थोड़ा साउंड कम कर दोगे ना तो सही सुनाई देगा, फुल साउंड मत सुनिएगा। तो यहाँ तक चीज़ें हम लोगों ने कर लिया, अब इसके बाद अगला जो सेशन करना है वो आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है। सो यहाँ तक उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा।